हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद येट अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो मैं इसके साथ करने वाली हूँ, क्योंकि आज का वीडियो हम लोग कर रहे हैं हाउ वेल डज वी नो ईच अदर। अरे यार, मतलब हाँ, हाउ वेल डज माई सिस्टर नोज मी या हाउ वेल डू वी नो ईच अदर। वैसे तो जानते बहुत है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन लिखने की बारी आई तो इसके भी कम्प्लीट नहीं हुए थे। 10 सोचे थे क्वेश्चन लिखने को और मैंने भी 10, लेकिन 10 कम्प्लीट नहीं हुए। सो अभी जितने क्वेश्चन है वील आस्क, अगर कुछ बीच में एड ऑन हो गया तो उसको कर लेंगे। करने जा रहे हैं वीडियो, आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो, और अगर पसंद आए तो बिल्कुल। वैसे आज मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा बहुत स्मूथ एंड बहुत नेचुरल लग रहा है, थोड़ा सा आई मीन फाउंडेशन, मेन तो फाउंडेशन है। सो मैं बिल्कुल अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फाउंडेशन कौन सा यूज किया है। सो पहले वो देख लो मैंने कौन सा यूज किया, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल आगे की चीजें भी आगे के साथ भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ मामा अर्थ के रिसेंटली लॉन्च फाउंडेशन। एक्चुअली लॉन्च तो काफी पहले हो गए थे, बट अभी मुझे रिसीव हुए हैं। सो दीज आर देयर मामा अर्थ ग्लो सिरम फाउंडेशन विथ विटामिन सी, एंड यू कैन सी द पैकेजिंग, हाउ कूल द पैकेजिंग लुक्स लाइक। यहाँ पे ऐसे स्लीक आई मीन व्हाइट कैप है विद ऐसे ओपेक बॉटल है, एंड I am going to try this out for the really first time on the camera. So we'll see कि कैसा इसका base turned out होता है। So you can see the box, and box तो ऐसे बाहर का है और अंदर इन्होंने ना foam packaging दी है, ताकि कोई भी product जो आपके पास आए वो एकदम टूटा हुआ ना आए, which I really like about, क्योंकि packaging में mostly foundations के टूटने का डर रहता है। तो मामाअर्थ ने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं ये दोनों foundation, I mean टू मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, सो मैं टू और थ्री को मिक्स करके मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ। ओपन दिस, ये एक पंप पैकेजिंग के साथ आता है जो कि सारे फाउंडेशन को आना चाहिए। तो दिस इज हाउ द 03 फाउंडेशन लुक्स लाइक। ये थोड़ा मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, और 02 फाउंडेशन ये है। सो आप देख सकते हो मैं इन दोनों को मिक्स करके ये फाउंडेशन शेड अपना बनाने वाली हूँ। कवरेज चेक करने के लिए मैं फाउंडेशन पहले मैं ब्रश लगा रही हूँ इस एरिया में, एंड इस एरिया में मैं स्पंज से ब्लेंड करूंगी। मुझे लाइट टू मीडियम कवरेज मिला है। लेट्स टेस्ट आउट दिस एरिया विद दी स्पॉन्ज। कवर तो नहीं हुआ है, तो इसका मैं कह सकती हूँ कि ये लाइट टू मीडियम कवरेज है। अगर मैं एक और लेयर इस पर डालूंगी तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मीडियम कवरेज हो जाएगा। तो अभी एकदम लाइट कवरेज का फाउंडेशन बना है। सो यू कैन सी द लुक, एंड इसके बाद मैं मतलब कंप्लीट लुक करके देन आई लीव राइट बैक। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दे हैव लॉन्च इन 7 डिफरेंट शेड्स, बट आई रियली वॉन्ट कि वो और भी शेड्स लॉन्च करें, ताकि जो स्किन टोन्स हैं उनको ज़्यादा चूज करना ना पड़े, क्योंकि इंडियन स्किन टोन में बहुत सारे शेड्स हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू देम कि बहुत सारे शेड्स और भी लॉन्च करें। उसके बाद अगर इनकी प्राइसिंग की बात आते हैं तो ये 599 के मिलते हैं आपको 30 ml, विच इज लाइक अ डिसेंट क्वान्टिटी। या गाइज, यू मस्ट बी नोइंग द ड्रिल दैट मामाअर्थ इज एन इंडियन एंड अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, इट रिसाइकल्स मोर प्लास्टिक दैन इट प्रोड्यूसेस। सो इफ यू वॉन्ट टू गेट एनी डिस्काउंट ऑन दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन यूज माई कोड दैट इज तानिया J2020 टू गेट फ्लैट 20% ऑफ on their website and also on their app. Mamaearth has also launched their app as well, so you can download that to get some extra discounts and extra exciting offers. And also guys, these products are also available on Amazon, Nykaa and Purple, so you can also purchase from there as well. So guys, whenever you make a purchase from Mamaearth, they will plant a tree on your behalf, and the exact species and the location will send to you on your mail, so which is like a great initiative. And that's all I want to say, so let's move on to the video. So hamare insta handles yahan pe hain, so agar फॉलो नहीं किया तो कर लेना, ऐसा कुछ फीस नहीं लगती, फ्री है सब कुछ, सब्सक्राइब लाइक और इंस्टा पे फॉलो सब फ्री है, तो कर लेना। एंड सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। जो भी सारे क्वेश्चंस है वो ना मैंने इसके पढ़े हैं, ना इसने मेरे पढ़े हैं, हम दोनों ने एकदम मतलब और ऑन स्पॉट आंसर देना है, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा सोच के 30 seconds टू आंसर दैट क्वेश्चन। 30 seconds यार, मतलब को फिर टाइमर लगाना पड़ेगा। 30 seconds नहीं, ऐसे ही रखते हैं कि मतलब ऑन स्पॉट, हाँ ऑन स्पॉट वाला करते हैं कि मतलब दो जल्दी से दो, लेकिन अब तक सोचे नहीं तो फिर टाइमर लगाना पड़ेगा। सो जल्दी से क्वेश्चन देना है। सो मैं पहले कौन पूछेगा, तुम या मैं? जो भी जीतने वाला उसको क्या मिलेगा? तुम बताओ। उसको मिलेगा जो भी दूसरा कहेगा खाने को, कुछ खाने को ही कहेंगे तो वो उसको खिलाया जाएगा, मतलब की तो बस ऐसे ही कुछ होगा। चलो, बढ़िया था गुरु।
फर्स्ट क्वेश्चन इज माई फेवरेट पंजाबी सिंगर. अरे यार पंजाबी सिंगर फेवरेट पंजाबी सिंगर वो सिद्धू मूसेवाला नहीं. अच्छा दिलजीत दोसांझ नहीं. पंजाबी सिंगर सोचने वाली बात है. ये तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया एकदम. पंजाबी सिंगर वैसे तो मैं पंजाबी गाने सुनती मेरे सामने इतना हो बट सिंगर है मुझे नहीं याद आता. सोचो बोलो कम. अरे एकदम नाम याद आ रहा. अरे वो क्या नाम है. अरे अरे जिसने वाला गाना गाया है. अरे अरे रंधावा गुरु रंधावा. हाँ हाँ. अरे यार मेरे सारे पंजाबी सिंगर नाम ले लूं. अरे वो जो जब कपड़े ले रे ना 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 जला जैसे करण हो जाओ. वो कौन से मेरे पंजाबी सिंगर हो गया तो फिर नहीं आ रहा. ठीक है पास करती हूँ. क्या है वैसे. हार्डी संधू. हार्डी संधू. Oh my God. अच्छा ठीक है चलो उसने भी गाना गाया. ठीक है चलो गाने गाया उसने भी. हाँ, अच्छे गाने गाया है. हाँ उसने भी गाया. मैं नाम नहीं याद आ रहा था उसका. जल्दी नोज पियर्सिंग और टैटू. नोज पियर्सिंग रॉन्ग. टैटू. अरे तो दिल्ली के रॉन्ग डॉक्टर्स तो दिनों पहनती रहती है. क्या पहनी दिन भर एक बार पहनी. काफी बार ऐसे पहनती है फेक. तो ऑब्वियसली और दैट दिल्ली में न्यूज़ पियर्सिंग करा लो कितनी. और उसके बाद फोटोज खींचे तो मुझे लगा उसको पसंद होगा. आई थॉट यू वुड आंसर दिस करेक्ट. टैटू. टैटू. हाँ टैटू तो यार मेरा भी मन है बट करा नहीं पाती क्योंकि ऐसा लगता है कि दर्द होगा ऐसा कुछ तो फिर कराना है बट लेट्स सी. ये आंसर नहीं क्या हुआ. आगे तो छोड़ दो. आगे तो एक्सपेक्टेशन. चलो जल्दी 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 जल्दी. अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. माय आई कलर. अरे वो ब्राउन है. ब्राउन मतलब ब्राउन अपने ब्लैक ही ब्राउन ही है. एकदम डार्क बताओ. डार्केस्ट ब्राउन. डार्केस्ट ब्राउन. डार्केस्ट ब्राउन. हाँ ठीक है. मैं तुम्हारे साथ आई कलर नहीं पता होगा तुम्हारा. व्हाट्स वन थिंग. ये थोड़ा सरकास्टिक हो गया बट हाँ क्वेश्चन है. व्हाट्स वन थिंग आई हेट डूइंग बट रोज करना भी जरूरी है. मतलब करना जरूरी है बट मुझे नहीं पसंद वो करना. ना ना सीरियसली नहीं है. एक थिंग जो करना जरूरी है बट तुम्हें पसंद नहीं है करना. अरे यार तुम्हें सोना तो ज्यादा पसंद है और तुम्हें करना जरूरी है बट करना मुझे नहीं पसंद है मिस्टर. अच्छा तो बस ठीक है फिर उसका उल्टा हो गया ना. सोना तो ज्यादा पसंद है उठना नहीं पसंद है उठना पड़ता है. हाँ तो फिर ठीक है मैंने सही जवाब दिया. इसका मतलब मार्क्स मिलते हैं मुझे 1.3. अरे टू पॉइंट्स में ना. हाँ बोर्ड्स परसेंटेज. अच्छा तुम्हारे टेंथ के बोर्ड के परसेंटेज थे 90. अरे यार जी क्या 90 ना. हाँ सॉरी 89.99. अरे कहना क्या चाहते हो. समथिंग थे मतलब 90 बताओ. 90 टच होने से रह गए थे बस. ये 90 टच होने से 89 भी रह जाएगा. 89.75 ऐसे करके कुछ थे. कंफर्म लॉक. कंफर्म. हाँ लॉक. 89 समथिंग. हाँ रॉन्ग. 89 थे. अच्छा सॉरी मुझे लगा था कि हाँ क्योंकि तुम बोले थे ना 90 से टच करने से रह गए थे तो ये चीज है. नेक्स्ट. ओके माई फेवरेट एक्सेसरीज. वो रिंग. रिंग्स. ये तो सबको भाई इसको इतनी रिंग दे. इसको जितनी रिंग दे दो उतनी कम है. अलग अलग जगहों से रिंग ही ऑर्डर करती रहती है. रिंग्स इसको जितनी रिंग दे दो उतनी कम है. ठीक है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. आर स्नैप्स मतलब स्ट्रीक स्कोर्स बिटवीन अस. 32 या 33 अभी क्योंकि अभी मैंने स्नैपचैट यूज करना स्टार्ट किया. अगर आप बताओ 32 मैंने उस दिन देखा था तो अभी 33 या 35 ऐसे कुछ होगा. 35 38 के बीच में होगा. 35 38 के बीच में. 37 देखा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा. ये काफी पहले से स्ट्रीक्स शेयर कर रही थी. अगर स्नैपचैट हैंडल्स यहाँ पे हैं अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन. 5 वेब सीरीज आई हैव वॉच्ड. वो क्या बोलते हैं. एनी फाइव. अरे स्ट्रेंजर्स थिंग उसके बाद हो गया. अरे अब मुझे याद नहीं. पंचायत. स्ट्रेंजर्स थिंग और वो फाइव लिटिल थिंग्स. लिटिल थिंग्स स्ट्रेंजर्स थिंग और कौन सी.
Stranger Things, Little Things और सीरीज में क्या? I bet you will not be able to answer हाँ हाँ अरे सीरीज तो क्या मतलब पाकिस्तानी सीरियल हो गए नेटफ्लिक्स सीरीज तो स्ट्रेंजर्स थिंग लिटिल थिंग्स और ऐसे तो सीरीज तुमने बहुत सारी देखी है आर्या देखा है ना तुमने आर्या देखा है और वो क्या बोलते हैं वो क्या नाम है वो जो उस पे आया था यार क्या नाम है मिर्जापुर हाँ मिर्जापुर और तो चार हो गई और अभी एक लास्ट मुझे याद नहीं आ रहा आई मीन सीरियल्स अगर पाकिस्तानी सीरियल में बहुत सारे ले लेती अभी नाम नहीं याद आ रहा भूल गई मैं एक और बताओ यार रुको लास्ट वन टाइम एक होता है देखिए मैं 10 तक काउंट कर रही हूं ठीक है 10 9 8 7 6 5 मम्मी बैठ के उधर से बता रही है वो पाकिस्तानी सीरियल के नाम 4 वो नहीं है 3 2 एंड 1 स्टॉप हमने साथ में देखी 13 रीजंस व्हाई अरे हाँ मैं वही नाम बोल रहा मैं लिटिल थिंग्स 13 रीजंस व्हाई समझी थी नाम नहीं याद आ रहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भी बोल सकती थी हाँ ह्यूमन मैंने तो मैंने भी देखी थी हाँ शेर मुझे नाम नहीं है मेरी दांत बहुत कमजोर है That's the power of asking questions. खैर ठीक है last nap I have sent मैंने देखी नहीं है जो मैंने लास्ट देखी थी वो देखना ना देखना इट्स योर फॉल्ट नॉट माइंड यू हैव टू टेल व्हिच आई हैव सीन लास्ट मैं देखी नहीं मैंने जब तो मैं कैसे बता दूं लास्ट स्नैप जो मैंने जो लास्ट स्नैप देखी थी वो पूछो ना जो चीज मैंने देखी नहीं वो मैं कैसे बता दूं तुम्हें देखना चाहिए ना आप लोग बताओ अग्री करोगे कि नहीं जो चीज देखना चाहिए था ना मैंने तो स्नैप भेजी आई वाज बिजी मैं ये सब कर रही थी तो मैंने नहीं देखा आज मैंने कोई भेजी नहीं कल की लास्ट बता दो ठीक है कल की शायद मैंने नहीं देखी जो मैंने लास्ट वाली स्नैप देखी थी योर फॉल्ट वो ऊपर छत की थी तुमने वो तारे या समथिंग कुछ भेजी थी वो मैंने कल की भी देर में नहीं भेजी मे बी परसों भेजी हो कल तो कल की तो बताओ एटलीस्ट कोई कल भी कल में तुमने हाँ कल हम लोग घूमने गए थे तो तुमने वो उसकी वो शोरूम के सामने क्लिक करके हाँ क्लिक करके भेजी थी वो मैंने लास्ट देखी थी तो मुझे वही याद है ठीक लास्ट क्वेश्चन इज वन थिंग आई हेट अबाउट योर्स मैं हर वक्त हर काम लास्ट नहीं मैं देर बहुत करती हूँ या हर काम लास्ट में करती हूँ या मतलब या गेस नहीं करना है जो करना है वो तो तुम ये सब तो करती करती हो जो तो मुझे जो मेरी ऐसी चीज है तुमको बहुत मतलब मैं हर 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 चीज बहुत वो हाँ 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 मुझे मैं हर चीज सही से नहीं रखती हूँ इधर उधर पड़ा रहता है जो तुमको बहुत हर चीज मतलब इधर बाकी एक और है बाकी हजारों है बाकी एक और है जो दिन भर हर चीज छोटी छोटी चीज क्या क्यों कैसे क्या अच्छा बहुत क्वेश्चंस करने आई एम वेरी क्यूरियस इसको अच्छी बात कहते हैं भाई क्यूरियस होना बहुत अच्छी बात हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा टोटल मुझे मिले 6 marks अभी लेट्स सी कि इसको कितने मिलते हैं सो हम मैं स्टार्ट करी मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा और तुम्हें जल्दी जल्दी आंसर और जल्दी रैपिड फायर राउंड नहीं चला रैपिड फायर नहीं बट हाँ यू नीड टू बी क्विक ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना मैंने जल्दी जल्दी आंसर किया बहुत तुमने टाइम दिया है हाँ एक में बहुत टाइम दिया मुझे याद नहीं आता खैर ठीक है सेलिब्रिटी क्रश जब पहला क्वेश्चन सेलिब्रिटी क्रश जो मैं जब 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 थोड़ी यंग थी तब मेरा था ऐसा करके कोई भी सेलिब्रिटी क्रश जैसे लड़का लड़की दोनों में से कोई भी मतलब एक्ट्रेस कपूर करीना कपूर हाँ ठीक है कपूर ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट मूवी जॉनर जॉनर मतलब किस टाइप की मूवी मुझे ज्यादा पसंद आती है मैं क्वेश्चन है तुम्हें ऑप्शंस दे रही हूं तुम सेलेक्ट करो ठीक है फनी रोमांटिक हॉरर और एडवेंचरस एडवेंचरस फनी एंड रोमांटिक तो नहीं फनी गलत रोमांटिक मुझे रोमांटिक मूवी ज्यादा पसंद आती है हाँ ऐसे हाँ मतलब कि वो पसंद अच्छी रोमांटिक मूवी हो तो मुझे ज्यादा पसंद आती है नहीं मतलब अच्छी रोमांटिक मूवी हर रोमांटिक मूवी अच्छी नहीं होती है मतलब लेकिन रोमांटिक थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है ओके ठीक है सेइंग इज माय करंट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ये भी पूछ रहा थी बट जल्दी दो 4100 एंड समथिंग लाइक दैट 4100 आगे 100 क्या आगे 4100 दो डिजिट और बोलो जल्दी बोलो 113 और 11 जब मैंने लास्ट चेक किया था 4197 ओके अभी शायद कम है एक ज्यादा है वो मुझे नहीं पता लेकिन एग्जैक्टली ऐसे आसपास है ठीक है हाँ ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट तो तुम्हारे भी कितने क्वेश्चंस कितने आंसर हैं वैसे मैंने वन आंसर दिया है वन आंसर और ये सेकंड वाला भी ऑलमोस्ट आंसर ये 1100 नहीं 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 एकदम भी पास भी नहीं एकदम भी पास नहीं थी माय 12th एंड 11th मार्क्स आई मीन जो परसेंटेज आए थे
ट्वेल्थ इलेवेंथ में मैं सोची थी दोनों हमारा सेम हो गया क्वेश्चंस ट्वेल्थ इलेवेंथ के परसेंटेज इलेवेंथ के नहीं सॉरी ट्वेल्थ और टेंथ के परसेंटेज सॉरी टेंथ के तो आई गेस 82 थे तुम्हारे अभी गलत अब तो सोच लो अभी भी तुम्हारे पास एक लास्ट चांस अच्छा टेंथ के परसेंटेज मार्क्स रुक जाओ जल्दी बहुत गर्मी है एक सेकंड जल्दी बोलो 86 गलत ठीक है अब तुम्हारे पास चांस नहीं है तुम गलत हो गए 10th के मार्क्स बता नहीं पाए 12th के मार्क्स बता दोगे तुम्हें 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे अभी तक तुमने सिर्फ 1 मार्क्स किए हैं 4 के चौथा क्वेश्चन है ठीक है 12th के मार्क्स बताओ जल्दी से 12th के मार्क्स तो 75 या 76 है अभी अभी तुम्हें अंदर नहीं थे यही थे तुम्हारे नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं मैं बताती हूँ लैब वो क्या कहते हैं अब 10th के मार्क्स है मेरे 80 10th के 12th ही बताओ तुम बता रही हो दूसरी 75 बोला ना तुमने 79 पॉइंट समथिंग थे जो 80 भी टच नहीं हुए थे तो 12th में मेरे ऐसे थे और ये बताओ उसके बाद मेरी फेवरेट ड्रिंक जो मुझे पीने में पसंद है कुछ भी हॉट कोल्ड कुछ उससे मतलब नहीं है जो मुझे ज्यादा पसंद आती है तुम कोई भी नाम ले सकती हो जो मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ मोस्टली मुझे पसंद आता है पीते तो ऐसे रोज है बट जो पसंद मुझे ज्यादा है इसमें कोई सोचने की बात नहीं बहुत बेसिक है कोल्ड कॉफी कॉफी मतलब वो हॉट हो कोल्ड हो मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू टी माय फेवरेट किड्स शो किड्स का जो मतलब बच्चों का जो शोज आते हैं ढेर सारे शोज हैं उसका सब मेरा फेवरेट सबसे कौन सा है ठीक है 3.5 उसके बाद अभी दो चीजें हैं मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन तुम्हें दिस और दैट में चूज करना है ठीक है वो दो चीजें मैं पूछ रही हूँ माउंटेन्स और बीचेस बीच पसंद है मालदीव का एक तो अलग मतलब लेकिन मैं अगर पूछूं कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है इंडिया में जाने के लिए तो माउंटेन्स लाइक मतलब बीचेस लाइक ठीक है पानी है ये बट माउंटेन्स का अलग ही ब्यूटी रहती है खैर ठीक है पार्टी पर्सन और होम मतलब घर पे रहने वाला या पार्टी पर्सन होम पर्सन गलत पार्टी पर्सन मैं जाती नहीं हूँ पार्टी में बात लग गया अरे मतलब कुछ भी मुझे दूसरे लोग बोले कि तुम घर पर ठीक है लेकिन तुम्हें पता होगा कि ना मुझे कैसे ज्यादा पसंद है मैं नहीं हूँ लेकिन मुझे पसंद है लेकिन हाँ मतलब घर पे रहना भी ज्यादा पसंद है बाहर जाने से बेटर ठीक है 5 पाकिस्तानी सीरियल्स जो मैंने अब तक देख रखे हैं जल्दी जल्दी बोलो कबूल मैंने देखा कबूल कौन सा सीरियल है पाकिस्तानी सारी सीरियल मैंने कबूल नहीं देखा है तुम जिसमें वो है अरे इकरा अजीज है और जिसमें वो है जो अब्दुल्ला अरे हाँ कबूल देखो खुद ही बढ़िया जिसने कौन से देखे हैं दाश कमजोर है थोड़ी हाँ ठीक है कबूल हाँ ठीक है नेक्स्ट कबूल मेरे हम सफर जो कि देख रही हो उसके बाद हब्स देख रही हो तीन हो गए दो कौन से है सुनो चंदा मोस्ट फेमस और एक ए मुश्तकाक ठीक है उसके बाद एक वियर्ड थिंग जो मैं खाती थी और जो मैं अब नहीं खाती हूँ बट मैं खाती थी जो मुझसे बोलते थे लोग तुम ये क्यों खाती हो उसमें क्या मजा मिलता है तो तुम भुना जीरा धनिया मैं भुना जीरा धनिया खाती थी आई मीन जो पाउडर होता है वो तो मुझे पसंद था तो मैं खाती तो मैंने तुमसे कितने चौक भी खाती है चौक को कैसे खाती चौक बहुत बहुत लोग खाते थे लेकिन अब मैं नहीं खाती लेकिन मैं पहले खाती थी मैं बोल सकती थी वेरियस थिंग हाँ हाँ वैसे तो मैं उल्टी सीधे खाती चीज लेकिन चौक अब मैं नहीं खाती ना भुना जीरा धनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन तो मैं कितने 5.5 मेरे 6 सो द विनर इज मैं तो क्या हो गया तुम हार गई हो सो अब मुझे कुछ खिलाने वाली है पेस्ट्री वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जाएं एंड इफ यू वांट अस कि हम ऐसी और फनी और चैलेंजिंग वीडियो लेके आए सो प्लीज कमेंट में मेंशन करना अगर कोई भी वीडियो का कंसेप्ट बताना चाहते हो कमेंट में जरूर मेंशन करना एंड वी विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय